हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिंपल में। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। इसके बाद आपको यहां पर सर्च बार में टाइप करना है मेधा सॉफ्ट, इस तरह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक आपको पॉपअप ये मैसेज देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पक्का भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य राशि का सीधे बैंक खाता में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंधन। तो उसके लिए आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। निर्भर करता है आपके यहाँ जो नेट की स्पीड है वो कैसी चलती है, तो थोड़ा सा वेट कर लें आप अगर आपके यहाँ नेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर भी क्लिक कर लिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा। देखिए इस तरह का एक और पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS। यहाँ पर भी वही संदेश दिया गया है, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आंगनवाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पक्का भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंधन। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको महत्वपूर्ण सूचना मिल जाएगा। ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पर है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 30/3/2020 का ये सूचना है जो कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पक्का भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य राशि का सीधे बैंक खाता में भुगतान से संबंधित ऑनलाइन भरने के संबंध में। आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया था कि कोरोना को देखते हुए अगले आदेश तक जो है सभी आंगनवाड़ी केंद्र को जो है बंद रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो भी पका भोजन या उससे जो राशन का जो सामान होता है उसके लिए जो पैसे हैं वो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा। समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS निदेशालय बिहार द्वारा वेबसाइट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे http://icdsonline.bic.nic.in या ऑनलाइन लाभार्थी आंगनबाड़ी लाभार्थी ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी दिए जा रहे हैं। भोजन तथा घर ले जाने वाले सूखा राशन के बदले सभी पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खाते में नगद राशि भेजने में सहायता करने हेतु बनाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों के 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को भोजन सूखा राशन के बदले उसके समतुल्य नगद राशि उनके बैंक खाते में दे दी जाएगी। इसका लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपने घर बैठे आवेदन जो है करना होगा निम्न दस्तावेज के साथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पति या पत्नी का आधार कार्ड और या तो फिर पति या पत्नी का बैंक पासबुक और IFSC कोड के साथ। वेबसाइट यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है और आपको साथ में ये भी बताया गया है कि ये आप मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है तथा इसे घर से भी आप मोबाइल के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जनहित हित में जो है जारी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन भरने का प्रपत्र लिखा गया है, ये आपको इस तरह से ये फॉर्म है लेकिन इसको नहीं फिल करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर जैसे आप यहाँ पर हैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है, ये आपको जो दिया हुआ है ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहले से निबंधित बच्चे स्तनपान कराने वाली महिला तथा गर्भवती महिला के संबंध में ऑनलाइन भरने प्रपत्र। ठीक है, तो ये इस तरह का एक डेमो फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना है यहाँ पर प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका जिले का नाम आ जाएगा, जिस भी जिले से हो गए आप उस जिला का यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परियोजना जो भी आपका यहाँ पर प्रखंड होगा उस प्रखंड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्रखंड के बाद यहाँ पर आपका जो सा भी आपका पंचायत होगा उस पंचायत को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना आंगनबाड़ी का यहाँ पर कोड चुन लेना है जो आंगनबाड़ी का आपको कोड मिलता है। ठीक है, उसके बाद अपने पति का नाम यहाँ पर लिखना है, जो पति का जो आधार में नाम होगा वही लिखना है। बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा और आराम से लिखिएगा, कोई भी हड़बड़ी वाली बात नहीं है। उसके बाद पत्नी का नाम यहाँ पर लिखना है जो भी आधार के अनुसार जो भी आधार में होगा। उसके बाद यहाँ पर श्रेणी का आ जाता है, यहाँ पर आप किस श्रेणी में आते हैं, सामान्य में आते हैं, अति पिछड़ा में आते हैं या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में आते हैं, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अपने हिसाब से आप चुन लीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर किनका है, अगर आप यहाँ पर आधार नंबर दे रहे हैं तो आप पति का दे रहे हैं या पत्नी का दे रहे हैं उसको आप यहाँ पर
सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका आधार नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, 4 अंकों का पासवर्ड यहाँ बनाइएगा और पासवर्ड यहाँ पर पुष्टि करिएगा। पुष्टि करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है और सिंपली ये जो कैप्चा आप देख पा रहे हो, ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करके रजिस्टर कर देंगे। तो रजिस्टर कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर एक आईडी जनरेट हो जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना ही आंगनबाड़ी सेंटर का कोई कोड है हमारे पास, और ना ही हमारे पास उनसे रिलेटेड कोई आधार कार्ड है। तो दस्तावेज नहीं होने के कारण हम यहाँ पर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी और का हम बिना जाने समझे कर दें, ठीक है। तो किसी का खराब हो सकता है यहाँ पर जिंदगी, तो आप इसको अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत समस्या समझ में आती है, आप हमारे नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद सिंपली जो आगे का स्टेप आता है, उसमें कुछ फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना होगा, अगर आता है तो ठीक है, वरना अगर मुझे मिलता है कहीं से यहाँ पर उनका आधार कार्ड या उनका जो पूरा डिटेल्स जो इसमें इच्छुक हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो मैं आपको एक ऑनलाइन पूरा फॉर्म फिलअप करके बता दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि जिस भी घर में आप आंगनबाड़ी सेंटर जो है चलाते हो आप, तो आपको पता होगा कि इसमें जो है ऑनलाइन कैसे करना है, इतने तो पढ़े लिखे हो गए ही आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश वीडियो के साथ। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटी सी जानकारी था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।